वक्त मैं हूँ कन्नौज में और ये मुन्ना चाय की दुकान है। अगर आपको शहर का मिजाज जानना हो, यहाँ पे क्या चर्चाएं हो रही हैं, चुनाव में क्या चर्चाएं चल रही, क्या विषय है, तो आप इस शहर में आ जाइए। अगर मैं आपको इस दुकान पे दिखाऊं तो यहाँ सुबह से शाम तक तांता लगा रहता है और यहाँ पे लोग चाय पीते रहते हैं, जाते रहते हैं, यहाँ आते हैं, जाते हैं, चाय पीते रहते हैं। जो सारे लोग जो बैठे हुए हैं, ये चाय के लिए बैठे हुए हैं और ये चाय पी रहे हैं, चाय के साथ चर्चाएं हो रही हैं। सर, आप सबसे पहले मैं देख रहा हूँ आप चाय पी रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है? चुनाव है, चुनाव में चर्चा हो रही है, बढ़िया माहौल है। यहाँ से डिंपल यादव जीतेंगी। सर, चाय पीते हैं, आपस में बहस होती रहती है, मुद्दों पे क्या बात होती है, क्या मुद्दे हैं जिसपे आप लोग चर्चा करते हो? पी लीजिए, चाय पीजिए, चाय पीजिए जी, बताइए। मुद्दों यहाँ पर सबसे मुद्दा तो यही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अखिलेश जी ने और डिंपल जी ने यहाँ पर विकास करवाया है और बहुत से अधूरे उनके काम जो हैं वो पूरे नहीं हो पाए, जिससे उद्योग वगैरह यहाँ पर स्थापित हो और रोजगार को मिल जाए, वो सब बंद हो गए। अच्छा, तो आपको लगता है ये एक मुद्दा है यहाँ पे चुनाव में? सर, क्या लग रहा है यहाँ पे जो आप लोग बातचीत करते हैं आपस में, क्या चर्चाएं करते हैं? चर्चाएं का यहाँ तो समाजवादियों का गढ़ रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी ने, डिंपल जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने इतने विकास कार्य यहाँ करा दिए हैं जिनका एहसान और बोझ हम लोगों पर लदा हुआ है, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी की ही चर्चा करते हैं। यहाँ तो अखिलेश यादव की सोच वहाँ से शुरू हुई जहाँ से भारतीय जनता पार्टी सोच समाप्त हुई, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, पैरा मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हृदय रोग संस्थान हो, महिला संस्थान हो, कैंसर संस्थान हो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, राष्ट्रीय स्तर की मंडी का मामला हो, परफ्यूम पार्क हो जी, बिल्कुल आपको लगता है बड़े बड़े काम हुए जी, बिल्कुल। आप तो इतना तो बढ़िया पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं बोल पाएगा जितना बोलेंगे। क्या सर आपको लगता है डेवलपमेंट, विकास कोई मुद्दा है इस चुनाव में? पीजिए, चाय पीजिए आप। यहाँ पर विकास का मुद्दा है, क्वेश्चन विकास का ही है, जो कभी समाजवादी पार्टी की समानता नहीं कर सकती दूसरी सरकार, ना बीजेपी कर सकती, ना बीजेपी के सांसद कर सकते हैं, क्योंकि विकास एक ऐतिहासिक विकास यहाँ पे हो चुका है। कन्नौज जिले को नाम देने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, और अब डिंपल यादव जी का यहाँ विकास के नाम पर जब उनको वोट मिल रहा है, विकास के नाम पर काम हो रहा है। अगर विकास की बात की जाए तो इतिहास में सबसे नंबर एक का नाम आपको लगता है, और उसी के इर्द गिर्द चुनाव होगा? जब कहते हैं कि गठबंधन का क्या फर्क पड़ रहा है, गठबंधन का कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, इस सीट पर गठबंधन का फर्क पड़ रहा है कि हमारे जो साथी हमें नहीं मिलते थे थोड़े बहुत, वो भी सब अखिलेश जी की छवि में मिल रहे हैं, और ये सीट एक ऐसी सीट है कि यहाँ पर गठबंधन, भाजपा सब दलों से ऊपर उठकर अखिलेश जी की छवि पर लोग वोट करते हैं, तो यहाँ पर हमें वैसे ही हर तबके का वोट मिल रहा है, हर तबके का वोट मिलता है। क्या लग रहा है सर कि चुनाव में चर्चाएं क्या हो रही है, बीजेपी के लोग क्या काउंटर करते हैं? बीजेपी के लोगों के पास कुछ है ही नहीं चर्चा करने के लिए, उन्होंने तो सिर्फ देश में बंटवारा किया है, आदमी को आदमी से जुदा कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे डिंपल यादव सांसद जी ने जो काम कर दिए हैं कोई सांसद कर नहीं पाएगा, मेरी समझ में तो दो चार दशक लोग लगे रहेंगे, इतना विकास नहीं हो पाएगा। सर, क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे क्या हैं और यहाँ पे लोगों के, कन्नौज के लोग क्या चाहते हैं कि कौन सा वो लोकल इशू है जो नेशनल चुनाव पे भारी पड़ सकता है? लोकल इशू तो विकास है, और दूसरा ये है कि एक तरफ मोदी जी अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश भैया के नाम पर वोट चल रहा है। अब देखना 29 तारीख को अखिलेश भैया कितने भारी मतों से अपनी पत्नी को जिता के ले जाते हैं। हम तो सुबह सुबह की चाय रोज यहाँ पीने आते हैं, अभी सुबह उठ के आए हैं, हमें लगता है आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं चाय पीने में, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ के समाजवादियों का गढ़ रहा है, माननीय नेताजी रहे, लोहिया जी रहे, विकास का मुद्दा ही प्रमुख है, विकास का मुद्दा प्रमुख है। दूसरे सहजता से हम लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं, सबसे बात कर लेते हैं, और भाजपा हमारी समझ से किसी भी पैमाने पर खड़ी नहीं उतरी है। भाजपा किसी भी पैमाने पर खड़ी नहीं उतरी है। क्या लग रहा है, युवा भी कोई मुद्दा है, यूथ का कोई मुद्दा हो रहा है, युवाओं के बारे में कोई पार्टी बात कर रही है कि नहीं? युवाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को रोजगार मिले, रोजगार सिर्फ जुमले के नाम पर ना मिले बल्कि असली रोजगार मिले, और हम लोग इसी आशा में बराबर आसान्वित हैं। दूसरी बात यह है कि रोजगार पर बात होती थी,
इससे पहले रोजगार पे बात हुई, जब रोजगार पे इन्होंने कुछ बात की तो हम लोगों को एक उमंग जागी कि हम लोग भी एक नौकरी में जाएंगे और नौकरी में जाने की स्थिति बनेगी। लेकिन रोजगार इन्होंने जुमलेबाजी में कोई रोजगार नहीं दिया। इससे पहले समाजवादी सरकार थी तब काफ़ी भर्तियां हुआ करती थी, चाहे अखिलेश जी ने आपकी सिंचाई विभाग में की हो चाहे किसी में भी की हो, लेकिन रोजगार एक फॉर्म डाल के और अपना एक रोजगार, एक यहाँ युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। अगर आप इधर देखेंगे तो इधर भी तो बैठे हुए हैं, क्या लग रहा सर, चाय पी रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है चुनाव की? यहाँ चुनाव चर्चा सिर्फ विकास है, विकास के नाम पे ही वोट मिलेगा और विकास को ही वोट करेंगे सर। सर प्लीज चाय पीते रहिए, विकासी मुद्दा है कि तमाम पार्टियां कह रही हैं वो युवाओं के लिए काम करना चाहती हैं, युवाओं को अपने साथ रखना चाहती हैं, युवाओं को पार्टियां वोट बैंक के रूप में यूज करती हैं कि उनका कोई काम करती भी हैं। देखिए भाई साहब, हिंदुस्तान एक बहुत ही आस्था वाला देश है और भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में सरकार बनाई वो सिर्फ और सिर्फ माइंड हैकिंग की, सिर्फ और सिर्फ माइंड हैकिंग की, युवाओं के साथ में भी माइंड हैकिंग की, कुछ नहीं सिर्फ गुमराह किया, 1% कहीं रोजगार नजर आए, जबकि युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्होंने नोटबंदी जैसी तमाम ऐसे काम किए जो एक ट्रेजडी का रूप था हिंदुस्तान के साथ, और उसमें युवाओं की रोजगार चले गए। इस तरीके से युवा बहुत ही ज्यादा, कोई मुद्दा लग रहा है चुनाव में? जी सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है सर, जो हम लोगों को रोजगार सर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे सर, आप बताइए। आदरणीय अखिलेश जी ने पहली बार मुख्यमंत्री बनते हुए उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि रोजगार दिया, और आज़ादी के बाद से अभी तक सबसे बड़ा अगर विकास हुआ है तो अखिलेश जी ने किया है। ये विकास लगता है अहम इशू होगा, प्रमुख मुद्दा होगा। यहाँ पे खड़े भैया, आपकी चाय की दुकान है ये? जी। क्या यहाँ पे देखते होंगे लोग हॉट बात करते रहते हैं चुनाव में, क्या आपस में कभी कभी गुत्थम गुत्था भी हो जाती है, बहस इतनी तेज हो जाए? हो नहीं, हाँ। ऐसी नहीं कोई बात है, हाँ। चुनाव में चाय की बिक्री बढ़ जा रही है? नहीं, बिक्री सेम है जो भी रोज होती है, चुनाव में कोई ज्यादा फर्क नहीं, हाँ। सब आपकी चाय की दुकान बड़ी फेमस है, यहाँ अखिलेश यादव आते हैं, मुलायम सिंह आते हैं, जितने बड़े नेता हैं सब सारे लोग आके चाय पीते हैं, तो लगता है कि पहचान हो गई मुन्ना चाय वाले की कन्नौज के नाम पे? जी बिल्कुल, पहचान हो गई, हाँ। अपना ही प्रतिष्ठान है, माननीय नेताजी ने अपना जो राजनीतिक करियर शुरू किया था उस समय से लेके आज तक, चाहे वो डिंपल यादव जी हो, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, चाहे नेताजी हो, उनका जब भी आना होता है वो अपनी यहाँ बैठ कर, वो इसी जगह बैठ कर चाय पीते हैं, लोगों से मिलते हैं, और यहाँ एक आसान तरीका है लोगों से मिलने का। वैसे तो लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और ये सब लोग घिरे रहते हैं सिक्योरिटी व्यवस्थाओं में, लेकिन यहाँ पे वो सिक्योरिटी को अलग करके और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अलग करके वो आम जनता, आम पब्लिक से वो मिलते हैं। हमारे सहयोगी यहाँ पे, सर क्या लगता है कि ये चाय की दुकान पे हम देख रहे हैं पूरा, अगर देखें तो यहाँ पे 100-150 लोग एक टाइम पे चाय पीते रहते हैं, तो अगर शहर का मिजाज या पूरे लोकसभा का मिजाज जानना हो तो यहाँ पता चल जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ 4,000 से अधिक चाय की ये बिक्री करते हैं रोज, और पूरे शहर का क्या, पूरी विधानसभा का यहाँ से मिजाज पता हो जाता है कि क्या मिजाज है यहाँ चुनाव का। आपने यहाँ जानकारी ली है, जाना भी होगा क्या मिजाज है यहाँ का। आपको भी लगता है, आप तो यहाँ कवर करते रहे बहुत करीब से, तो विकास ही प्रमुख मुद्दा है यहाँ पे? जी यहाँ पर विकास की बात करें तो विकास ही यहाँ प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक इतना विकास करा दिया है कि आदमी अब ये नहीं कहता कि विकास नहीं हुआ है। पैरा मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियर कॉलेज हैं, गाँव-गाँव की सड़कें हैं, जाल सा बिछा दिया है, तो जनता का यही मन है कि विकास के नाम पे वोट हुआ है। जी आप आ रहे थे, क्या है चुनाव में चर्चा है, कुछ कहना आपको बताइए। चुनाव में चर्चा है एक बार फिर मोदी दोबारा आना चाहिए, मोदी दोबारा आना चाहिए, मोदी दोबारा जी। मैं कानपुर में रहता हूँ, हाँ। बिठूर, ठीक है ठीक है, लगता है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आप सुबह सुबह बच्चों को लेके आए हैं यहाँ सामान खरीदने?
क्या है चर्चा, क्या हो रहा है चुनाव की चर्चा? चुनाव ठीक चल रहा है, चुनाव बढ़िया है, अभी कुछ चुनाव के विषय में कहा नहीं जा सकता स्पष्ट रूप से। हाँ। अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है चुनाव के विषय में। हाँ। ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कि चुनाव की क्या है, क्या है। लेकिन किन मुद्दों पे बातचीत हो रही है? जी जी, विकास पे तो है, विकास भी काफी कराया है। हाँ। विकास देखा जाए तो अखिलेश जी ने यहाँ कन्नौज में कराया है, और वैसे देखा जाए तो लहर तो चली रही बीजेपी की, भाई सत्ता में है, केंद्र में है, यूपी में है सब। तो आपने देखा, मैं इस बार कन्नौज में था, यहाँ पे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि जात धर्म के अलावा विकास उनके प्रमुख एजेंडे पे है, और जब वोट करने जाएंगे तो उनके जहन में विकास का ही एजेंडा सबसे प्रमुख होगा। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ अखिलेश मिश्र, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, कन्नौज।